हे hey दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल फूड डिटेक्टिव पे। मैं हूँ आपका दोस्त गौरव। सो आज मेरा शक्ल देखे बिना ही आपको ये ओपनिंग और ये वीडियो देखनी है, क्योंकि मैं आज स्ट्रीट पे निकल गया था शूट करने, और जब मैं वहाँ पे पहुँचा तो मुझे पता चला कि मैं माइक जाना भूल गया हूँ। और वैसे भी ये फिलहाल ट्रेंडिंग चल रहा है जहाँ पे वॉइस ओवर करके आप अपने वीडियो को और अच्छा बना सकते हो। होप आपको ये वीडियो पसंद आए। तो आप जो देख रहे हैं अभी फ़िलहाल वीडियो में, ये भाई साहब जो है हमारे लिए सैंडविच बना रहे थे, और जैसे कि मैंने इनसे डिमांड की थी कि मुझे मायोनीज सैंडविच खाना है, तो इन्होंने कहा था जी हाँ बिल्कुल मेरे पास अवेलेबल है। बट जब इन्होंने बनाना शुरू किया और हम देखते ही रह गए, क्योंकि इन्होंने जो डिमांड हमने रखी थी उसके हिसाब से बिल्कुल भी वो नहीं खिलाया जो हमें खाना था। पर ठीक है, जब उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दिया तो हमने सोचा कि क्यों ना। अच्छा, तो वैसे मैं आपको बताना भूल गया कि हम आए कहाँ पे थे। तो हम थे जेबी नगर में, जो कि मरोल के बिल्कुल पास है, और बस ये सैंडविच बना रहे थे। और हमें देख के लगा कि यार, मतलब जो हमने एक्चुअली खाना था वो इन्होंने नहीं प्रिपेयर किया। बट ठीक है, अब जब बना ही रहे थे और स्ट्रीट फूड कवर करने आए थे और खाना था, तो फिर कुछ बोले बिना ही हम बोले कि ठीक है जो आप बना दीजिए वही खा लेंगे। तो इनकी प्रिपरेशन वगैरह देखिए, तब तक मैं आपको बताता हूँ कि खाने के बाद ये हमें लगा कैसा। And I ain't gonna lie to you, I'm a bit nervous that I might screw everything up that I've ever done. But what's the point of living if you ain't having fun? I guess I'll try this, try that, might miss, gotta find what I'm good at. I guess I'll look here, look there, over where am I scared, where am I at? I gotta make it in this life, whatever makes me happy, know I'm doing things right. Sipping in the summer on a goose and Sprite, or find a nightclub for the end of the night, oh. And we all got dreams. Y'all want things, but what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? And do you believe we can do anything? But what you gonna do for it? How you gonna move for it? What you gonna be? तो यहाँ पे ये बनके पूरी तरीके से रेडी हो चुका था। इन्होंने इस पर चीज़ डाला, और एक्चुअल में इनके हिसाब से जो मायोनीज सैंडविच होता है वो ये होता है, जो ये ऊपर से हल्की हल्की सी बारिश कर रहे हैं मायोनीज की। पर मुझे जहाँ तक इतना पता है कि मायोनीज सैंडविच अगर आपको खाना है तो उसके अंदर चॉप्स किए हुए वेजिटेबल्स होते हैं, और इसे पूरे तरीके से मायोनीज में ही चॉप करके बनाए जाते हैं जहाँ तक मैंने देखा है। बट ठीक है, अब ये आ चुका था तो खाना तो लाजमी था, मना तो कर नहीं सकते थे। तो स्ट्रीट पे पहुँचे और थोड़ा अंधेरा था वहाँ पे, और मैं सच कहूँ पता नहीं उस दिन मुझे क्या ही हुआ था, मैं कुछ लेके नहीं गया हुआ था, ना अपने लाइट ना माइक। तो बोला ठीक है, आई होप कि आप वीडियो को इन्जॉय कर रहे हैं। तो यहाँ पे मेरे हाथ में ये आ चुका था, और जैसे ही आया तो मैंने बोला क्यों ना अब इसका फर्स्ट बाइट लिया जाए बिना वेट किए। तो काफ़ी बड़ी थी, क्योंकि ये ग्रिल सैंडविच थी ट्रिपल, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो जिनको जिन्होंने मुझे दिया उसे इन्होंने बताया कि ये उनके हिसाब से मायोनीज सैंडविच है। तो हमने इसे सॉस के साथ अच्छे से डिप किया और फिर बोला कि फर्स्ट बाइट लेते हैं। और जब मैंने पहला बाइट लिया तो मेरा रिएक्शन आप देख सकते हैं कि उस लेवल का नहीं था, बट खाने के बाद मैंने बोला कि चलिए ठीक है, अच्छा हैवी था इसलिए मुझे अच्छा लगा कि काफ़ी हैवी था। बट कहीं ना कहीं पे जो टेस्ट की मैंने एक्सपेक्टेशन की थी वो नहीं था। ग्रीन चटनी के साथ भी मैंने इसको ट्राई किया, और उसके साथ भी मुझे वो वाला जो मैं फ्लेवर ढूंढ रहा था शायद वो मुझे नहीं मिला। ओवरऑल अच्छा था। इसका प्राइस जो था वो 160 रुपीज़ था, और एक इन्होंने ये अलग से मुझे ग्रीन चटनी दी थी जो कि शायद मिर्ची की थी प्रॉपर तरीके से, थोड़ा स्पाइसी था वो। मैंने उसे भी ट्राई किया, क्योंकि तीन तरह की अलग अलग चटनी इन्होंने दी थी सैंडविच के साथ खाने के लिए। ओवरऑल मुझे खाने में मज़ा आया सॉस के साथ। बट अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो मैं सिर्फ 10 में से 4 या 5 दूंगा, क्योंकि वो उस लेवल का नहीं था जितना मेरी एक्सपेक्टेशन थी। और जैसे हम आगे बढ़े तो हमने देखा कि यार गर्मा गर्म वड़े निकल रहे, वो भी शाम के वक्त। अब वड़े ये वड़ा पाव नहीं, ये जो है यहाँ पे इडली डोसा और वड़े दाल वड़े ये सारी चीज़ें थे, मेन्दू वड़े वगैरह। तो हमने देखा और काफ़ी क्राउड से भरा हुआ था। और सबसे ख़ास बात लगी कि ये सारी चीज़ें तो हमें नॉर्मली मॉर्निंग के वक्त में मिलती है, बट यहाँ स्ट्रीट की खासियत थी कि ये गर्मा गर्म रात के वक्त में, और जिस क्वांटिटी में ये बिक रहे थे वो तो देखने लायक था, क्योंकि क्राउड इतना ज़्यादा था खाने के लिए कि ना इनका तवा रुक रहा था और ना ही इनके कढ़ाई के जो
वड़े थे वो बाहर निकलने से रुक रहे थे, तो लगातार ये जो था ये इन आउट का सिलसिला चल रहा था। तो हमने भी बिना देरी किए हमने कहा कि क्यों ना चलिए हम भी ट्राई करते हैं। तो हमने भी जो है एक दाल वड़ा और दो मैंने मेंदू वड़ा ऑर्डर कर लिया कि चलिए खा लेते, क्योंकि क्राउड को देख के लगा कि यार खाना चाहिए, शायद ये बहुत ही टेस्ट होगा। और सबसे पहली बात तो कि गर्मा गर्म है तो खाना तो फिर लाजमी था, तो मैंने भी अपना ऑर्डर कर दिया। और मेरे हाथ में जैसे ही आया मैं भी एक कोना पकड़ के खड़ा हो गया खाने के लिए, और फिर वहाँ पर खड़े खड़े मैंने जो है फर्स्ट बाइट लिया मेंदू वड़ा का, जो कि बहुत ही सॉफ्ट था सबसे पहली चीज़। सेकेंड चीज़, इनका जो चटनी था वो बहुत ही थिक था और काफ़ी स्वादिष्ट था, मतलब जैसा एक्सपेक्टेशन थी मेरी स्ट्रीट की। क्या होता है ना कि नॉर्मली स्ट्रीट पे ना इन सब चीज़ों का खाने का मज़ा ज़्यादा आता है एज़ कम्पेयर टू होटल वगैरह। तो मैंने फर्स्ट बाइट लिया और मैंने जैसे खाया ने बोला हाँ यार चलिए यहाँ पे मेरे पैसे वसूल हो गए, क्योंकि इसका टेस्ट काफ़ी बढ़िया था। और ख़ास करके उनके जो वड़ा थे वो गरम गरम थे, तो वो इतने सॉफ्ट थे कि उसको ज़्यादा मुझे डिप करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही थी। जैसे ही मैं डाल रहा था वैसे ही वो पूरी तरीके से सॉफ्ट है, जो कि मेल्ट हो जा रहा था मुँह में जाती। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी कर सकते हो, वहाँ पे मैं रेगुलर अपडेट्स डालते रहता हूँ नए वीडियो के, तो आप जाके वहाँ पे भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। और फिर मैंने सेकंड बाइट लिया अपने दाल वड़े का। दाल वड़ा वैसे मेरा काफ़ी फेवरेट है, क्योंकि ये काफ़ी क्रंची होता है खाने में और अच्छा लगता है खाने में। तो मैंने दाल वड़े का भी टेस्ट लिया और मुझे काफ़ी अच्छा लगा, और काफ़ी किफ़ायती था, ज़्यादा महंगा नहीं था, 30 रुपीज़ में ये मैंने खा लिया था और मुझे लगा कि हाँ यहाँ पे मेरा पैसा वसूल हो गया। और फिर इसी के साथ ये खाने के बाद मैं बोला कि आगे बढ़ते, स्ट्रीट पे काफ़ी कुछ था, बट मैंने जैसे ही मैंने आगे की तरफ नज़र बढ़ाई तो वहाँ पे दो जन काफ़ी प्यार से जो है मंचूरियन बेच रहे थे, जो कि दोनों कपल्स थे और काफ़ी मेहनत भी कर रहे थे और स्ट्रीट पे बेच रहे थे। और आपको पता है यार मंचूरियन आजकल ना काफ़ी ट्रेंड रहता है, आप बाहर जाएंगे हर दूसरे के हाथ में ना ये तीखा तीखा मंचूरियन खाने को मतलब दिख ही जाता है हर एक स्ट्रीट पे। तो मैंने कहा क्यों ना यार मैं भी ट्राई करूँ, और लोग खा भी रहे थे तो थोड़ा देख के मुझे भी लालच आ गया, मैंने बोला कि क्यों ना ट्राई किया जाए। तो गर्मा गर्म मंचूरियन निकल रहे थे तो मैंने भी एक प्लेट के लिए ऑर्डर कर दिया। ये काफ़ी सस्ता है, जैसे कि आपको पता ही होगा कि इसका प्राइस ज़्यादा नहीं था, 15 रुपीज़ में मुझे मिला, और मैंने इसे लिया। इसके ऊपर सेज़वान चटनी अच्छी खासी डाली हुई थी और काफ़ी अच्छा दिख भी रहा था कलर में। पर सच कहूँ तो जब मैंने पहला मंचूरियन उठाया और उसे जब मैंने खाया तो स्पाइसी था, ओके टेस्ट था, बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि एक जो फ्लेवर आता ना एक्चुअली वो मंचूरियन से ही आता है, गर्म था इसलिए अच्छा लग रहा था खाने में। बाकी जो मंचूरियन में जो अगर आप मंचूरियन स्ट्रीट पे खा रहे हैं तो मुझे लगता है उसमें जो सेज़वान चटनी यूज़ की जाती है वो काफ़ी मज़ेदार होनी चाहिए, ताकि जब आप बाइट लो तो आपको लगे कि हाँ यार, क्योंकि सेज़वान चटनी के लिए हम उसे खाते हैं। मैंने भी खाया, मुझे ओके ओके टेस्ट लगा, हाँ गर्म था, स्पाइसी था, ठीक था, बट स्वाद के लिए रेटिंग मैं दूंगा सिर्फ और सिर्फ ये कपल्स को, सॉरी टू से, बट 4 या 5, क्योंकि उस लेवल का नहीं था जिस लेवल का मुझे खाना था। अब सबसे ख़ास चीज़ गर्मा गर्म जलेबी, जैसे ही मैं आगे गया, और एक्चुअली मैं आगे क्या जाऊँ, जब मैं सैंडविच के लिए ऑर्डर दे रहा था उसी वक्त मैंने देख लिया था कि ये जो दो बुज़ुर्ग है ये काफ़ी अच्छे तरीके से और काफ़ी हाइजीन का ध्यान रखते हुए जलेबी निकाल रहे थे, तो उनकी जलेबियों के लिए लाइन लगी हुई थी। लोग जैसे ही निकल रहा था वो बाहर और लोग लेके चले जा रहे थे, वो उस क्वांटिटी में भी बना रहे थे, और इनको देख के मुझे लगा यार चलिए यार खा लेते हैं, दोनों काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और दोनों बुज़ुर्ग हैं। अक्सर मैं ये सारी चीज़ें देख के थोड़ा सा भावुक हो जाता हूँ कि जब रोड पे ऐसे मैं मेहनत करते हैं, हालांकि मेहनत करना अच्छी बात है और मेहनत करके कमा रहे, पर फिर भी मुझे ऐसा लगता है हाँ लेके खा लेना चाहिए। तो मैंने भी थोड़ा सा ले लिया था और फिर मैंने बोला कि चलो चख के देखते हैं, और यकीन मानिए मेरा कि ये रिव्यू बिल्कुल भी झूठा नहीं है, ये काफ़ी क्रंची था और इतना अच्छा स्वाद दे रहा था। इन्होंने शायद इनकी चाशनी में इलायची वैसे मुझे पसंद नहीं है खास करके बिरयानी में, पर इनके चाशनी में उन्होंने शायद इसे डाला हुआ था, जिसके वजह से जलेबी का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा था। और ख़ास बात ना, ये जलेबी काफ़ी पतली पतली थी और टेस्ट लाजवाब था। मतलब अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर पुराने हैं तो दोस्तों से शेयर कीजिए, प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा प्यार दीजिए। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खाते रहिए और खिलाते रहिए। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नए वीडियो के साथ।